हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, संस्थान की ओर से आप सभी बच्चों के लिए संग्राम सीरीज लाया गया है, जो सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसी के मद्देनजर मेरे द्वारा आपको दो लेक्चर वीडियो के माध्यम से हिंदी भाषा 100 नंबर के अंतर्गत कुछ व्याकरण और कुछ साहित्यिक खंडों की चर्चा प्रश्न के माध्यम से उत्तर लेखन शैली की प्रक्रिया को समझाते हुए पूरा किया गया है। आज का ये तीसरा लेक्चर वीडियो 3 प्रकार के टॉपिक को कवर करेगा, जो होगा समास से संबंधित प्रश्न, पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न और एक होगा हमारे लिए पत्राचार से संबंधित प्रश्न। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि समास से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि 50 नंबर की हिंदी जब हुआ करती थी तो उसमें केवल एक ही प्रकार का पक्ष रखता था, कभी समासिक पदों की पहचान करने बोलता था, कभी समासिक पद का विग्रह करके उसके नाम लिखने के लिए कहता था, तो ये ज्यादा 3 अंक का हुआ करता था। परंतु अब की परीक्षाओं में आपके समास से भी मान के चलिए 3 से 6 नंबर तक का, यानी कि 2 प्रकार के प्रश्न एक ही जगह में आते हैं। अब तो समास की परेशानी और बढ़ा दी गई है, जब इसके क्वेश्चन में एक ही तरह के प्रश्न को पूछना जो चाहता था, अब उसको भूल कर एक नए रूप को देने लगा है, जहां पर अब समासिक पदों की पहचान और समस्त पद बनाने का निर्माण और समास के विग्रह के बाद है तो कुछ और प्रश्न है जो आप नए रूप में देखते हैं, जहां समास की परिभाषा कहता है, जैसे कि अव्ययी भाव समास से आप क्या समझते हैं उदाहरण द्वारा बताइए, अधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है उदाहरण द्वारा बताइए, संधि और समास में क्या अंतर होते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो अलग अलग पक्षों में 2-2 नंबर का, 3-3 नंबर का या एक ही जगह 4 नंबर का, तो मान के चलिए कि इस समास से आपको 4 से 6 अंक के, कभी कभी 8 अंक के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के कोशिश करते हैं कि इस हिंदी में समास से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और हमें लिखना कैसे होगा। ठीक है, एक प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित समासिक शब्दों का विग्रह कीजिए। कितने नंबर का है बेटा? 2 नंबर का। कितने विकल्प है? 4। मतलब कि ईच वन ऑप्शंस में आपको हाफ मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया है? क्योंकि इसे समस्त पदों का समासिक विग्रह ही करना है और कुछ भी नहीं करना, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक तो 2 नंबर का है इसलिए आपको कितने लाइन दिए जाएंगे, केवल 2 लाइन दिया जाएगा, या तो 1, 2 इधर लिखेंगे, 3, 4 इधर लिखेंगे। यदि आपकी इच्छा है तो जैसा मैंने बताया था 1, 2 इधर कर दीजिए, ठीक है, 3 यहां कर दीजिए, 4 यहां कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पर जब आपको कहा नहीं गया है कि नाम लिखिए तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। और 2 लेक्चर वीडियो में मैंने पहले बताया कि व्याकरण के हिस्से में अगर विकल्प दिया है उसके बगल में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ जल की धारा लिख रहे हैं, नीला है जो कंठ लिख रहे हैं, राधा और कृष्ण लिख रहे हैं, जीवन पर्यंत लिख रहे हैं, तो नंबर कट जाएंगे, इसलिए दिए गए स्थान पर ही आपको लिखना है। जैसे कि अगर आपको कहता है तो अगर आपके पास समय है तो उतार सकते हैं, जैसे कि राधा कृष्ण उतार लिया, ठीक है, और यहां पर विग्रह क्या लिख दिया, राधा और कृष्ण, ठीक है ना, क्या लिख दिया, राधा और कृष्ण। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको उसका समास का नाम लिखने के लिए नहीं कहा गया है तो अपनी तरफ से कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर आपने लिख दिया जल धारा, समास विग्रह क्या हो गया, ना ही आपको यहाँ पर उसका समास विग्रह या कुछ भी चीज लिखनी है, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जल की धारा, इतना ही आपको लिखना है, एक्स वाई जेड यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करना है। ठीक है, इसी का दूसरा पहलू देखते हैं। कभी कभी कहता है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। अब न तो यहाँ पर समास विग्रह कर रहा है, कुछ भी नहीं कहा है, 2 नंबर का है, केवल समास का नाम लिखना है, पहचानना है। ठीक है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, शोकाकुल, ठीक है ना,
शोकाकुल। अब यहां पर आपको समास विग्रह नहीं कह रहा है, अब ध्यान रखिएगा कि जो तत्पुरुष समास है वो छह प्रकार का है, तीन प्रकार के उपभेद के साथ में। बहुव्रीहि समास जो है वो आपके छह प्रकार के हैं, दो उपभेद के साथ में। इसी प्रकार द्वंद्व समास भी आपका तीन प्रकार का होता है। परंतु कभी भी यहां पर गलती मत कीजिएगा, क्योंकि शोकाकुल शोक से आकुल करण तत्पुरुष समास है, जिसे तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं। गलती से आपने अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष लिख दिया तो नंबर कट जाएगा। ऐसी परिस्थिति में केवल आप यहां पर उसका नाम लिखेंगे और क्या लिखेंगे, तत्पुरुष समास, ठीक है। इसी प्रकार यहां लिख दिया जैसे कि दीर्घायु है ना, दीर्घायु लिख दिया है ना, जिसकी आयु दीर्घ हो है ना, तो यहां पर हमारे लिए आपका कर्मधारय समास आ गया। चक्रपाणी तो आपका आपका हो जाता है हमारे लिए बहुव्रीही। इसी प्रकार नवग्रह, नव ग्रहों का समाहार कहकर द्विगु है, इसलिए यहां पर केवल उसको लिखकर उसके उत्तर को मेंशन करना है। तो यहां पर देखिए पिछले वाले में कहा था समास विग्रह करना है केवल, है ना, दो नंबर का। यहाँ क्या कह रहा है, समास का नाम लिखना है और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए एक प्रश्न देखते हैं जहां आपके अंक जो है आपके चार नंबर का है, ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, समास विग्रह करते हुए समास के नाम की पहचान कीजिए। मतलब कि चार विकल्प में एक एक नंबर है, यानी कि समास विग्रह में भी एक नंबर है और उसके नाम में भी एक नंबर है। इस स्थिति पर अगर वो आपको दे देता है दो लाइन, मान लीजिए दे या तीन लाइन, तो आप क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे जैसे कि यथार्थ, है ना। अब यहां पर क्या लिखेंगे, अर्थ के अनुसार, यथा अर्थ यानी कि अर्थ के अनुसार, ठीक है। और समास का नाम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो यहां पर आपके मान के चलिए कि यहां आधा नंबर और यहां आधा नंबर। दूसरी बात, समासिक पद रचना में कभी भी प्लस का निशान नहीं लगाना, जैसे कि कुछ बच्चे कहते हैं दूधन पहर, है ना, ऐसा बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना, क्योंकि समास में धन का निशान लगाया नहीं जाता। यह धन का निशान है जो आपके संधि की प्रक्रिया में प्रयोग की जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसका उत्तर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, अर्थ के अनुसार अव्ययी भाव समास, हाथ के लिए कड़ी हथकड़ी आपका तत्पुरुष समास, दो पहर का समूह यानी कि आपका हो जाता है द्विगु समास, महान है जो राजा, इस प्रकार हमारे लिए आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगली बारी आती है संधि और समास में दो अंतर बताइए, कितने नंबर का है, दो नंबर का। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस तरफ रख सकते हैं संधि को और एक तरफ रख सकते हैं समास को, ठीक है। दो अंतर कह रहा है तो अंडरलाइन कर दिए, यहां पर लिख दिया पॉइंट वन, यहां लिख दिया पॉइंट टू, ठीक है ना। यहां लिख सकते हैं वर्ण अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं, और यहां कह सकते हैं शब्द पदों के संक्षेपीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है। यहां लिख सकते हैं संधि तत्सम शब्दों के बीच होती है, यहां लिख सकते हैं संधि तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों के बीच होती है। क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह दो अंतर आपको लिखना है। अब देखिए दो नंबर के लिए आपको परिभाषा पूछी गई है कि अव्ययी भाव समास को परिभाषित करते हुए उसके दो उदाहरण लिखिए। तो परिभाषा में आपका एक नंबर है और दो उदाहरण में आपका एक नंबर है, इसलिए आपको परिभाषा पूरा सही लिखना जरूरी है। यदि आप परिभाषा को स्पष्ट नहीं कर पा रहे तो अंक काटे जाएंगे, ये मान के चलिएगा। इसलिए जो साहित्यिक परिभाषा है वो मेंशन करना जरूरी है। तो आप क्या लिखेंगे, जिस समास का प्रथम शब्द पद अव्यय प्रधान हो तथा समस्त पद किसी अव्यय या अविकारी शब्द का हो जाए तो ऐसे समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथा शक्ति, यथा भक्ति, प्रतिदिन, प्रतिपल, घर घर, द्वार द्वार, इनमें से किसी दो उदाहरण को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए तत्पुरुष समास की परिभाषा देते हुए दो उदाहरण लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे कि जिस समास में प्रथम शब्द पद गौण और द्वितीय शब्द पद की प्रधानता होती है, क्या लिखेंगे, जिस समास में प्रथम शब्द पद गौण तथा द्वितीय पद
प्रधान होता है, ठीक है ना, वहां तत्पुरुष समास होते हैं, ठीक है। ये हो गई उसकी परिभाषा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर दो उदाहरण लिखने बोला है, इसलिए आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि गगन चुंबी, गगन को चूमना तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष, इसलिए इसी प्रकार हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी कहकर हमारे लिए हो जाएगा आपका कौन सा समास, आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास या संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए अब दूसरा टॉपिक आता है हमारे लिए, हिंदी पत्रकारिता। पत्रकारिता और पत्र लेखन दो अलग अलग चीजें हैं। पत्रकारिता का मतलब होता है समाचार पत्र और पत्रिकाएं, जिसे हम आपके जर्नलिज्म के नाम से जानते हैं, और पत्राचार एक अलग पक्ष है जो हमारे लिए लेटर राइटिंग कहलाता है। तो हिंदी पत्रकारिता के अंतर्गत हिंदी समाचार पत्रों की शुरुआत से लेकर किस प्रकार के पत्र थे, उन सभी से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या ध्यान रखना होगा, इस समाचार पत्रिका के संपादक कौन थे, ठीक है ना, इस समाचार पत्रिका का संपादन या फिर हमारा प्रकाशन का वर्ष क्या था, ठीक है ना, संपादन और प्रकाशन का वर्ष क्या था, यह पत्रिका किस स्थान से निकाली जाती थी, और यह किस प्रकार की पत्रिका थी। किस प्रकार की पत्रिका का मतलब है, क्या यह साप्ताहिक थी, क्या ये आपकी अर्धवार्षिक थी, त्रैमासिक थी या दैनिक पत्रिका थी, ठीक है। इन सभी से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर वन लाइनर के तौर पर पूछेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 5 अंक का है, यानी कि 5 प्रश्न है जिसे प्रत्येक प्रश्न पर एक एक अंक जो है वो दिया गया है। इसके लिए आपको 5 लाइन है जो दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह अगर आपको 5 लाइन दिया है तो मान के चलिए आपको 5 लाइन में पूरे प्रश्नों का उत्तर लिखना है। अच्छा, जैसे मैंने और प्रश्नों को समझाते हुए बताया था कि यदि वन लाइनर क्वेश्चन है तो हम केवल उनके नाम को नहीं लिखेंगे, पूरा उत्तर लेखन करना जरूरी है। पहले प्रश्न ने क्या कहा, उतंद मार्तंड के संपादक का नाम बताइए, ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ पर केवल नाम को लिख देंगे, जुगल किशोर शुक्ल, पर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना होगा उदंत मार्तंड के संपादक का नाम क्या था, आपका जुगल किशोर शुक्ल था, ठीक है। या आप कह सकते हैं जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा उतंद मार्तंड का संपादन का कार्य किया गया था, ठीक है ना। अगर वो प्रश्न ये पूछे कि किसके द्वारा किया गया था, तब आप लिखेंगे जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा किया गया था। लेकिन प्रश्न ने क्या बोला है कि उतंद मार्तंड के संपादक का नाम लिखिए, तो उतंद मार्तंड के संपादक का नाम कि जुगल किशोर शुक्ल था, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की किस पत्रिका का संपादन किया, तो आंसर क्या लिखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है ना, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको किसी प्रकार के टाइम पीरियड को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ लिख रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें अंतर है। 1900 में जब इस सरस्वती पत्रिका की शुरुआत हुई तो प्रथम एक वर्ष तक इसमें भारतेंदु मंडल के सदस्यों के द्वारा जो समिति थी उनके द्वारा इसमें संपादन के काम जो है वो किए गए थे, ठीक है। चिंतामणि घोष के द्वारा इसे नाम जो है दिया गया था, और प्रथम शुरुआत चिंतामणि घोष के द्वारा इसको नाम दिया गया था, और कहते हैं कि इस पत्रिका को नागरी प्रचारणी पत्रिका का अनुमोदन प्राप्त था। उसके बाद 1902 से लेकर इसमें अलग अलग संपादकों के द्वारा संपादन की भूमिका निभाई गई थी, जिसमें कुछ किताब कहती है 1903 से 1918, कोई कहता है 1900 से 1920, तो इस प्रकार कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए जितना पूछा जाए उतना लिखा जाए। और हम क्या लिखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। अब आप कह सकते हैं तो सरस्वती पत्रिका को आप अंडरलाइन कर सकते हैं,
ठीक है, या चाहे तो इन्वर्टेड कॉमा में पैक कर सकते हैं, यहाँ जुगल किशोर शुक्ल को अंडरलाइन कर सकते हैं या इन्वर्टेड कॉमा में पैक कर सकते हैं, तो यहाँ आंसर पूरी क्लियरिटी से नजर आएगा। सॉरी, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। कानपुर से प्रकाशित प्रताप का प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा प्रकाशित प्रभा पत्रिका का प्रकाशन पहले खंडवा से होता था, कुछ समय के बाद इसका प्रकाशन कानपुर से किया जाने लगा था। ठीक है, ये वन लाइनर होते हैं बेटा और इसका उत्तर लेखन स्पष्ट होना जरूरी है। इसी का दूसरा पहलू है जहां पर आपको चार प्रश्न दिए हैं, जैसे कि 1885 में। अब देखिए प्रश्नों को समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर क्या कह रहा है प्रश्नों को समझने से, यहां पर संपादक का नाम, ठीक है ना, किसके द्वारा कौन सी पत्रिका संपादित की जाती थी, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम, इस प्रकाशन किस पत्रकार ने किया, प्रकाशन स्थान कहाँ है, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। अब देखिए क्या कह रहा है कि सन 1885 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया जाता था। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर कह रहा है 1885 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित पत्रिका का नाम लिखिए। तो देखने वाली बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब समाचार पत्र पत्रिकाएं बहुत विकराल रूप में आगे बढ़ रही थी, तो स्वतंत्रता के समय से पहले, स्वतंत्रता के समय और स्वतंत्रता के बाद, इन तीन प्रकार के पक्ष को लेकर समाचार पत्र पत्रिकाओं को 6 वर्ग में बांटा जा सकता है। भारतेंदु पूर्वयुगीन पत्रिका, भारतेंदु युगीन पत्रिका, द्विवेदी युगीन पत्रिका, छायावादी युगीन पत्रिका, छायावादोत्तर युगीन पत्रिका और समकालीन पत्रिका कहके 6 भाग में बांटा जा सकता है। समाचार पत्रिकाओं की जब शुरुआत हुई थी तो कुछ साधारण से व्यक्तियों के द्वारा अंग्रेजी समाचार पत्रिकाओं से प्रभावित होकर समाचार पत्र को जन्म तो दिया गया, परंतु सबसे बढ़ा हुआ इसमें प्रभाव संपादक के तौर पर हिंदी साहित्य के साहित्यकारों का योगदान देखने को मिलता है। न केवल हिंदी साहित्यकारों का योगदान, बल्कि जो हमारे राजनीतिक महापुरुष हैं, चाहे वो मदन मोहन मालवीय हो, चाहे हमारे लिए आपके दादा भाई नौरोजी हो, इवन महात्मा गांधी हो, ठीक है ना, ऐसे राजनीतिक महापुरुषों का, ठीक है ना, इनका योगदान समाचार पत्रिकाओं में भी देखने को मिलता है। इसी क्षेत्र में प्रश्न पूछा है कि सन 1885 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा कौन सी पत्रिका जो है वो संपादित की जाती थी। इस समय मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो पत्रिका संपादित की जाती थी उसमें 2-3 प्रकार की पत्रियां हैं जो 1907 तक, मतलब 1885 से लेकर 1907 तक उनके द्वारा संपादन की जाती रही, जिसमें आपकी अभ्युदय पत्रिका थी, साथ ही इसमें हमारे लिए इंडियन आपके जो पत्रिका थी, इंडियन जो आपका यूनियन, इंडियन यूनियन पत्रिका थी, अभ्युदय पत्रिका थी और हिंदुस्तान नामक पत्रिका थी, जिसके संपादन का काम मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता था। अब है हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम लिखिए। हिंदी प्रदीप, अब देखिए यही आपके प्रश्न पिछले साल भी रिपीट किया गया था, जैसे बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम लिखिए, इस बार भी कह दिया हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम, एक सिक्के के दो पहलू। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, हिंदी प्रदीप के पत्रिका के संपादक का नाम बालकृष्ण भट्ट था। भारतेंदु द्वारा स्त्रियों के लिए संपादित होने वाली पत्रिका, अब देखिए यहां पर प्रकाशन वर्ष नहीं है बल्कि उसका रूप पूछा जा रहा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा स्त्रियों के लिए संपादित की जाने वाली पत्रिका का नाम बाला बोधनी था। ठीक है, आलोचना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था, तो आलोचना पत्रिका की जब शुरुआत की गई तो प्रारंभिक शुरुआत में इसका संपादन दिल्ली से माना जाता है। और इस तरह आपके पत्रकारिता से शुरुआत में 3 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, फिर इसमें 5 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, अब भी यह 5 से 6 अंक का पूछा जाता है जो वन लाइनर होते हैं। लिखने वाले उत्तर लेखन शैली को ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको केवल एक नाम नहीं लिखना है, जैसे यहां पर अभ्युदय लिख दिया, ठीक है ना, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि पूरा सेंटेंस जो है वो लिखें, लेकिन अगर आपको बस समय का अभाव हो रहा है, आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि नंबर सही हो, ठीक है, और उसके बाद में आप उसका उत्तर लेखन जो है बहुत क्लियरिटी से करें। जब आप ऐसा लिखते हैं ना, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक होगी वो नजर आने लगती है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि वाक्य जो एक अंक का है, मतलब वन लाइनर है, तो पूरा उसको जो वाक्य के आधार पर उसका उत्तर लेखन जो है वो किया जाए। सबसे बड़ी परेशानी,
जब हमको किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए बोलते तो हम उसे डिस्क्राइब कैसे करेंगे, यानी कि भारतेंदु युगीन पत्रकारिता के विषय में लगभग 100 शब्द में अपने विचार व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। तो 100 शब्द में अगर हम अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं तो कैसे लिखेंगे, और ये 5 नंबर का है। भारतेंदु युग का समय माना जाता है आपके 1885 से 1900, एक ऐसा समय था जब भारतवर्ष के अंतर्गत समाचार पत्र और पत्रिकाओं की शुरुआत हो गई थी। कुछ स्थानीय पत्रिकाएं भी अपनी स्थानीय बोलचाल भाषा में प्रयोग की जा रही थी। ऐसे समय में इन पत्रिका को स्वतंत्रता पूर्व युगीन पत्रिका के नाम से भी हम कह सकते हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना है, तो क्या लिखेंगे, भारतेंदु युग में समाचार पत्र पत्रिकाओं का विशेष योगदान देखने को मिलता है। इस समय हिंदी की खड़ी बोली की प्रारंभिक शुरुआत सरस्वती पत्रिका के माध्यम से की गई थी। इससे पहले भी देश की उन्नति और विकास के लिए राजनीतिक पक्ष और आपके हिंदी साहित्य के साहित्यकारों के योगदान से समाचार पत्रिकाओं का प्रकाशन स्थानीय और क्षेत्रीय अंचल पर किया जाने लगा था। यह पत्रिका स्वतंत्रता आंदोलन में अलख जगाने वाली पत्रिकाओं में मानी जाती है। अब यहाँ पर कुछ भारतेंदु युग की पत्रिकाओं के नाम जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। सबसे बड़ा अब टॉपिक आता है आपका, जिसमें आपको दिया है पत्रिकाओं के संपादन और प्रकाशन वर्ष, 5 नंबर का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर फिर से रिपीट, प्रताप पत्रिका, प्रभा पत्रिका, प्रतीक पत्रिका, ऐसे पत्रिकाओं का नाम दे दिया है। अब यहाँ पर इसके संपादक का भी नाम लिखना है और संपादन का प्रकाशन स्थान लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जैसे कि प्रताप पत्रिका, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, या तो अगर आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं संपादक और यहां लिख सकते हैं संपादन स्थान, ठीक है। अगर आप ऐसा करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, संपादक और संपादन स्थान, ठीक है ना। यहां लिख दिया मान लीजिए आपका पत्रिका, ठीक, आप इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां लिख दिया प्रताप पत्रिका, कहां से प्रकाशित होती थी, इसके संपादक कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, और कहां से प्रकाशित होती थी, कानपुर से, ठीक है ना। इसी प्रकार प्रभा पत्रिका, ठीक है, यहां लिख दिया आपने प्रभा पत्रिका और इसके संपादक कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, और ये कहां से प्रकाशित होती, खंडवा से, और उसके बाद कहां से शुरू प्रकाशित होती थी आपकी, कानपुर से, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि प्रभा नामक पत्रिका जिसके संपादक कौन थे, माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है, और कहां से संपादित होती थी, खंडवा कानपुर से, ठीक है ना, खंडवा कानपुर से। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। यदि आप वन लाइनर में लिखना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं, प्रताप नामक पत्रिका गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में कानपुर से प्रकाशित होती थी। दूसरा लिख सकते हैं, प्रभा पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में खंडवा कानपुर से प्रकाशित होती थी। इस तरह आप यहाँ पर इसका उत्तर लेखन कर सकते हैं। अगला हिस्सा आता है पत्राचार पत्र लेखन। शुरुआती दौर में यानी कि आपकी 2018 से पहले इसमें से केवल 2 प्रश्न पूछे जाते थे, जैसे शासकीय और अर्धशासकीय पत्र से आप क्या समझते हैं, या कहता था कार्यालय पत्र और अन्य पत्र में क्या अंतर होता है, और दूसरा इसका होता था शासकीय पत्र का नमूना लिखिए, या कहता था अपने मित्र को बधाई संदेश वाला पत्र लिखिए, ठीक है। अब चूंकि पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिए, नई नई चीजों को यहां पर हिस्सा दिया गया है, तो सबसे पहली बात कि कार्यालय पत्र तो है ही, इस कार्यालय पत्र के अलावा आपको शासकीय, अर्धशासकीय, प्रपत्र, परिपत्र, प्रारूप लेखन, पृष्ठांकन, प्रतिवेदन, विज्ञापन, ठीक है, अधिसूचना, ये सारी चीजें और आपके पत्र लेखन के श्रेणी में रखा गया है। अब इसके प्रश्न अलग अलग तरीके से 4 प्रकार का पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन नंबर 15 में है तो क्वेश्चन नंबर 15 में 2 हिस्से होंगे, 15 क 15 ख। इसी प्रकार 15 के बाद में 16 नंबर के प्रश्न में 16 में क और 16 में ख। तो 2 प्रकार का आपको आवेदन देता है और 2 प्रकार के प्रश्न में कभी विशेषता पूछता है, कभी रचना शैली पूछता है, कभी रूपरेखा पूछता है, कभी हमारे लिए अंतर पूछता है, या आशय स्पष्ट कीजिए,
ठीक है, या कहता है आप इससे क्या समझते हैं। और एक हिस्सा होता है जहां एक विषय दे देता है और उस विषय से संबंधित आपको प्रश्न लिखने के उत्तर में आपसे आवेदन जो है लिखने को कहता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि समाचार पत्र पत्रिकाओं के अंतर्गत जिस प्रकार आप उसमें जो पूछे जा रहे थे लिख रहे थे, पत्र लेखन के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार से पत्र लेखन के अंतर्गत किसी भी प्रकार से न तो आप अपना नाम, न किसी परिवार के सदस्य, न किसी दोस्त का, न किसी भी साधारण व्यक्ति का नाम नहीं लिख सकते। इवन आप वहां पर अपना रोल नंबर भी मेंशन नहीं कर सकते हैं। पत्र की संख्या लिखनी हो, अगर आपको पत्र लिखने कह रहा है, पत्र की संख्या आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अगर वो विषय दे दे तब आप वहां पर उन चीजों को बनाएंगे। ठीक है, तो इस पत्र लेखन से वर्तमान समय में 16 से 18 नंबर के प्रश्न भिन्न भिन्न हिस्सों में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में जैसे अगर आपको पूछ लेता है कि अधिसूचना से क्या आशय है, कितने अंक का है, 5 अंक का है, कितने अंक का है, 5 अंक का है, तब आप यहां पर क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो परिचय जैसा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश से राजपत्रित अधिकारियों की सेवानिवृत्ति, त्याग मुक्ति, पदोन्नति, पद निश्चित करना, ठीक है ना, आवेदन को स्वीकार करना या अस्वीकृत करना आदि से संबंधित साधारण सी सूचना यदि भारतीय राजपत्र में प्रकाशित की जाती है तब उसे अधिसूचना कही जाती है। आप ये लिख सकते हैं या इसके लिए आप एक अलग परिभाषा जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश से साधारण या राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित जो भी सूचना जनसाधारण के लिए भारतीय राजपत्र में प्रकाशित की जाती है उसे अधिसूचना कहते हैं। तो यह उसका परिचय हुआ, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, शासन की ओर से जो घोषणाएं जनसाधारण के सूचनार्थ के लिए या सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की जानकारी हेतु केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा उनके राजपत्र में प्रकाशित की जाती है उसे अधिसूचना कहते हैं। इसे अन्य नाम विज्ञप्ति भी पुकारा जाता है। ठीक है, इतना आपको क्या कह रहा है कि अधिसूचना से क्या आशय है, 5 नंबर का। अब दूसरा क्या कहता है, प्रतिवेदन क्या है, इसकी कोई 3 प्रमुख विशेषता लिखिए, यानी कि आपकी यहां पर 1 नंबर है और यहां पर आपके डेढ़ नंबर में आप इसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिवेदन क्या है, प्रतिवेदन एक जानकारी है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, प्रतिवेदन किसी जांच पर आधारित विवरण है जो किसी एकल या बहुसंख्यक समिति के द्वारा जांच के बाद सभी तथ्यों को विश्लेषण कर लेने के बाद में अभिलेखनबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिन्होंने उन्हें प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के कार्यभार सौंपा था। ठीक है, 3 प्रकार की विशेषता हो जाती है कि विशेषता क्या लिखेंगे, प्रतिवेदन लिख दिया और यहां पर लिख दी हमने उसकी क्या विशेषता, क्या लिख दी उसकी विशेषता, क्या लिखेंगे, तथ्य परकता, यानी कि तथ्य पर आधारित होना जरूरी है। दूसरा विषय निष्ठ, कि जिस विषय से संबंधित बातों का उल्लेख करना है उसका होना जरूरी है। इसी प्रकार कह सकते हैं इसमें आपकी निष्पक्षता का होना जरूरी है। ठीक है, तो पत्र आपके प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय तर्क और वितर्क की सभी बातों को सुन लेने के बाद उसके अभिलेखन में निष्पक्षता का होना जरूरी है। इसे तथ्य पर आधारित होना जरूरी है और विषय से संबंधित बातों का ही उसमें उल्लेख होना आवश्यक है। तो वन लाइनर के तौर पर आप इसे डिस्क्राइब जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये तो हो गए हमारे लिए 2 प्रश्न। ठीक है, तो उसका हिस्सा कैसे होता है, 15 नंबर के क में अगर ये दे दिया तो फिर ख में क्या देगा, ख में आपको देगा किसी प्रकार के पत्र को लिखने के लिए। ठीक है, जैसे कि अर्थशास्त्रीय पत्र का क्या आशय है, अर्थशास्त्रीय पत्र लेखन की रीति पर प्रकाश डालिए, तो ये आपके 4 अंक का है। ठीक है ना, तो अर्थशास्त्रीय पत्र से क्या आशय है, अब क्या लिखेंगे, किसी शासन के अंतर्गत
उच्च स्तर के अधिकारी के द्वारा अपने समकक्ष या कनिष्ठ स्तर के अधिकारी को दिए गए कार्य के शीघ्र निपटान के लिए व्यक्तिगत तौर पर लिखे गए पत्र व्यवहार को अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है। ठीक है, अब वो चीजें हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, इसकी आपकी क्या हो जाती है, इसके पत्र लेखन की रीति। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाती है पत्र लेखन की रीति। अब देखिए बेटा, है ना, ध्यान रखिएगा, अब ये चार अंक का है तो पांच लाइन दिया जाएगा या चार लाइन दिया जाएगा। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है जहां आपके दो लाइन में ही आपकी वो चीजें कंप्लीट हो रही हैं, बचता है दो लाइन, तो आप इसमें लिख सकते हैं पत्र लेखन की रीति, यानी कि आप क्या लिखेंगे, इसमें विषय का उल्लेख नहीं होता, इसमें विषय का उल्लेख नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात आप लिख सकते हैं इसमें क्या, इसमें आत्मनिर्देश में, आत्मनिर्देश में आपका सद्भावी या आपका शुभेक्षु लिखा जाता है, आत्मनिर्देश में आपका सद्भावी या शुभेक्षु लिखा जाता है। ठीक है, तीसरी बात आप लिख सकते हैं इसके तरीके में कि आपके अभिवादन के तौर पर, है ना, अभिवादन में महोदय न लिखकर प्रिय श्री या श्री युत का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर आप लिखते हैं तो यहां पर किसी प्रकार के विसर्ग और संदर्भ का उल्लेख जो है वो नहीं किया जाता है। तो इसकी लेखन शैली होती है, इसमें विषय और संदर्भ का उल्लेख नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात आत्मनिर्देश में आपका सद्भावी या शुभक्षु के प्रयोग किए जाते हैं, अभिवादन में प्रिय श्री या श्रीयुत का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी शुरुआत क्या होती है, मुझे वाली शैली से लिखी जाती है। अर्थशास्त्रीय पत्र है जो थोड़ी मित्रतापूर्ण व्यवहार में थोड़ा व्यक्तिगत होकर लिखा जाता है, इसलिए मैं आपका ध्यान इस पत्र के संदर्भ में आकृष्ट करना चाहता हूं, या मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि ऐसे वाक्यांशों से अर्धशासकीय पत्र की शुरुआत जो है वो होती है। ठीक है, अगला सबसे बड़ा परेशानी हमें क्या आता है, जब हमें एक विषय दे दिया जाता है, जैसे कि क्या कहा है, चार अंक का है कि परिपत्र किसे कहा जाता है, समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से समस्त शिक्षा संस्थानों को एक परिपत्र भेजिए जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की छात्राओं के प्रवेश की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराने के लिए चाही गई हो। मतलब अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दे दिया है, इस सब्जेक्ट में आपको अपना रोल नंबर नहीं लिखना है, ना ही अपना नाम या किसी भी व्यक्ति का नाम वहां पर मेंशन करना है। तो सबसे पहली बात, परिपत्र क्या होता है, शासन की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से यदि राज्य सरकारों को किसी मुख्य विभाग के द्वारा अन्य विभागों को, अपने अधीनस्थ कार्यालयों को एक साथ यदि कोई पत्र भेजनी होती है तब परिपत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रेषक एक और इसकी प्रेषिति अनेक होते हैं, इस तरह आप उसको मेंशन कर देंगे। ठीक है ना, कि शासन की ओर से किसी प्रकार की सूचना, जानकारी, निर्देश, आदेश अगर एक साथ अनेक व्यक्तियों को, अनेक संस्थानों को भेजना हो तो परिपत्र का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रेषक एक और प्रेषिति अनेक होते हैं। अब देखिए यहां पर आपको सब्जेक्ट दे दिया है तो हम कैसे लिखेंगे, शासन के अंतर्गत कोई भी पत्र होता है तो परिपत्र की जो रचना शैली होती है, ध्यान रखिएगा, यह कार्यालय आदेश के फॉर्मेट में भी होगा, इसी प्रकार ये शासकीय पत्र के फॉर्मेट में भी हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो शासकीय पत्र के आधार फॉर्मेट में होगा, कार्यालय आदेश के फॉर्मेट में होगा, ज्ञापन के भी फॉर्मेट में परिपत्र भेजे जाते हैं। इसमें हम कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, अब आपको परेशानी हो रही कि मान लीजिए आपको यहां पर दिया है आठ लाइन, ठीक है, और प्रश्न है चार नंबर का और आपको दे दिया है छह लाइन या आपको दे दिया है आठ लाइन। ऐसी सिचुएशन में चूंकि एक ही क्वेश्चन में दो प्रश्न है ना, एक तो परिपत्र किसे कहते हैं उसे लिखना है और एक आपको आवेदन प्रस्तुत करना है, ऐसी रीति में आप क्या करेंगे, ये जो आपको मान लीजिए दिया गया है ना, मान लीजिए आपको छह लाइन दिया गया है तो इस छह लाइन को दो हिस्से में बांट देते हैं, तो छह लाइन को दो हिस्से में बांटते हैं तो वो आपके लिए बन जाता है पेज नंबर वन और बन जाता है पेज नंबर टू, और इस तरह एक दो तीन चार पांच छह, अगर मान लीजिए सात लाइन दिया है तो सात दुनी हो गए आपके चौदह।
ठीक है, ऐसी सिचुएशन ये पेज नंबर वन बन गया और ये बन गया पेज नंबर टू। सबसे पहले क्या कहा है कि परिपत्र किसे कहते हैं, अगर आपको लगता है तो अब यहां से जैसे आपने परिपत्र यहां लिख लिया है, अब परिपत्र को लिख लेने के बाद में आपका ये शासकीय पत्र जो है वो शुरू होता है। शासकीय पत्र के फॉर्मेट में अगर आप देखें तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर कहां से है, छत्तीसगढ़ सरकार, तो यहां लिखेंगे आप छत्तीसगढ़ सरकार, ठीक है, जिस मंत्रालय के द्वारा लिखा जा रहा है तो समाज कल्याण विभाग, ठीक है ना, समाज कल्याण विभाग, ठीक है। अब यहां पर आप लिख सकते हैं रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार से लिखेगा तो रायपुर छत्तीसगढ़ लिखेंगे, मध्य सरकार लिखेगा तो भोपाल लिखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार लिखेगा तो आप वहां पर लखनऊ लिखेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर दिल्ली है, भारत सरकार है, तो हम स्थान में वहां पर दिल्ली लिखेंगे, यानी कि भारत सरकार है तो दिल्ली, ठीक है ना। अब छत्तीसगढ़ सरकार समाज कल्याण विभाग, अब यहां पर क्या रहता है, यहां पर आपका पत्रांक आ जाएगा, मान लीजिए पत्र की संख्या है 217, ठीक है। अब यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं समाज कल्याण विभाग। अब एस्टेब्लिशमेंट डे आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपका 2105, यहाँ पर 2024, ये आपका पत्र क्रमांक बन गया, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देंगे स्थान रायपुर छत्तीसगढ़, और दिनांक लिख देंगे मान लीजिए आपका 24, आपका मार्च 2024, ठीक है। अब चूंकि शासकीय पत्र है तो यहां पर हो जाएगा हमारे लिए आपका प्रेषक। प्रेषक मतलब कि यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे मान लीजिए आप उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जैसे उसके पद का उल्लेख, तो प्रेषक का उसका पद और उसके पता को लिखेंगे। जैसे प्रेषक मान लीजिए सचिव है ना, प्रेषक मान लीजिए सचिव है छत्तीसगढ़ सरकार समाज कल्याण विभाग में, ठीक है। दूसरा नीचे क्या लिखेंगे आप, प्रेषिती, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, सेवा में, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे बेटा, परिपत्र एक साथ बहुत लोगों को भेजा जाता है, परिपत्र एक साथ बहुत लोगों को भेजा जाता है, तो यहां पर हम लिखेंगे समस्त आपके जो है विभाग, समस्त अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, समस्त जाति जनजाति विभाग लिख सकते हैं, या आप यहां पर समस्त कह के जिनको आप लिख रहे हैं एक साथ उनको आप यहां पर मेंशन करेंगे। इसके बाद अब आपकी पेज नंबर यहां पर खत्म हो गई, अब यहां पर आपका पेज नहीं है, तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे आप विषय। अब विषय क्या है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्राओं के प्रवेश की जानकारी मांगने बावत। अब अगर आपने कोई पत्र पहले संदर्भ लिखा था है ना, तो अब वहां पर संदर्भ लिखेंगे, ठीक है ना, पत्र क्रमांक इसके संदर्भ में, ठीक है। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, आप संबोधन के तौर पर क्या लिखेंगे, समस्त आप जो है वो अधिकारी, समस्त अधिकारी वर्ग लिखकर उनका संबोधन कर दिया आपने, समस्त अधिकारी वर्ग। फिर चूंकि परिपत्र है तो मैं आपके पत्र क्रमांक इनके संबंध में आपको यह आदेशित करने का अनुरोध करता हूं कि जो समस्त शिक्षा संस्थानों के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्राओं के प्रवेश की जानकारी मांगी गई थी वो अब तक हमें प्राप्त नहीं हुई है, लौटती डाक से उत्तर देने की कृपा करें, ठीक है ना। और यहां पर जब आपके खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना, यहां पर आपने महोदय लिख दिया, ठीक है ना, महोदय लिख दिया और चीजें यहां पर क्या होती है आपकी, कंप्लीट होती है, ठीक है ना। अब यहां पर जब आपकी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, तब यहां पर कौन होगा, वो प्रेषक होगा जो यहां पर अपना हस्ताक्षर जो है वो करेगा। अब प्रेषक कौन है, जिसने पत्र को लिखा है, तो क्या होंगे आपके प्रेषक के पद का उल्लेख होगा, ठीक है, जैसे कि सचिव है ना अनुसूचित जनजाति विभाग, ठीक है। इसके बाद में क्या करेगा, जिनको पत्र लिख रहा है उस पत्र की प्रतिलिपि यहां पर क्या करेगा, प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित, यानी कह सकता है कि पत्र क्रमांक जो आपका ये वाला होगा, ठीक है ना, पत्र क्रमांक इसको मेंशन करेंगे, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित, ऐसा कह के हायरार्की से उच्च स्तर के अधिकारी सबसे पहले, उसके बाद उनसे निम्न स्तर के, फिर निम्न स्तर के, फिर निम्न स्तर के अधिकारी का प्रयोग जो है वो करेंगे, और अंत में एक अधिकारी, वही अधिकारी प्रेषक अपना हस्ताक्षर यहाँ पर करेगा। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, भवदीय का प्रयोग जो है वो करेंगे। तो कहने का मतलब कि अगर कभी आपको ऐसा प्रश्न देता है, विषय दे देता है, तब आप मेंशन, जैसे मैंने यहाँ पर फिल इन द
बिना ब्लैंक्स के जैसे लिखा है आपको नहीं लिखना, आपको आवेदन प्रस्तुत करना है। पर रूपरेखा मालूम होनी चाहिए कि हिंदी के पत्र में लेफ्ट और राइट में चीजें जो है वो चलती जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि परिपत्र किसे कहते हैं आप लिखेंगे, ठीक है ना। जब किसी सरकार की तरफ से अपने अपने किसी उच्च अपने से समकक्ष या अपने से कनिष्ठ स्तर के विभागों को कर्मचारियों को जब केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के सभी वर्ग के व्यक्ति को एक साथ किसी भी प्रकार की जानकारी सूचना निर्देश आदेश देना हो तब ऐसे भेजे जाने वाले पत्र को परिपत्र कहा जाता है, ठीक है। इसकी विषय दे दी गई है तो ध्यान रखेंगे कि ये परिपत्र आपके ज्ञापन के भी फॉर्मेट में होगा, ये आपके कार्यालय आदेश के फॉर्मेट में भी हो सकता है, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको सरकारी पत्र के फॉर्मेट में बताया है। सरकारी पत्र में क्या होता है, छत्तीसगढ़ सरकार या भारत सरकार है तो आपको वहां पर उस विभाग का नाम लिखना पड़ेगा या उस मंत्रालय का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कहां वो है, मतलब कि छत्तीसगढ़ सरकार है जिसमें पहले ही बता चुकी हूं तो रायपुर, और दिल्ली है तो आपकी केंद्र सरकार है तो दिल्ली। लेफ्ट में होगा पत्र का क्रमांक, राइट साइड में होगा स्थान और दिनांक, उसके बाद में प्रेषक का नाम, उसके पद का नाम और उसका पता, उसके नीचे प्रेषिति, ठीक है ना। अब चूंकि परिपत्र है तो प्रेषिति में हम देखेंगे तो समस्त कहकर या सभी कहकर, सभी राज्य सरकार, समस्त अधिलेखा अधिकारी, समस्त महालेखाकार, सभी मुख्यमंत्री, ऐसे करके एक साथ संबोधित जो है वो किया जाता है। इसके बाद लिखते हैं विषय और इसके बाद संदर्भ। संदर्भ में पिछले पत्र का उल्लेख होता है, यदि आपने पहली बार कोई पत्र लिख रहे हैं तो उसका उल्लेख आपको नहीं करना। लेकिन विषय में देखिए कि एक परिपत्र भेजना है कि उसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री के लिए भेजना है तो जानकारी मांग रहे हैं, तब वहां पर उसमें पिछले पत्र में अगर कोई जानकारी मांगी होगी अब तक नहीं मिली है उसका उल्लेख करेंगे। महोदय से इसकी शुरुआत होगी। और सरकारी पत्र को लिखने के लिए आप कैसे शुरू करते हैं, आपके पत्र संख्या इसके इसके संबंध में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि आपके पत्र क्रमांक इसके संदर्भ में मैं आपको आदेशित करना चाहता हूं, मैं आपके पत्र संख्या के संदर्भ में उत्तर देने हेतु आपको संबोधित करता हूं, ऐसे वाक्यांशों से शासकीय पत्र की शुरुआत होती है। यदि आपने वहां उसको मेंशन नहीं किया है तो मान के चलिए कि आपके अंक जो है वो काट दिए जाएंगे। तो यदि आपको सब्जेक्ट और आपको रूपरेखा दे दी जाए तो इस रूप में आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। जैसे इसी के आधार पर अर्धशासकीय पत्र का एक प्रारूप लिखिए बोल रहा है, ठीक है ना। अर्धशासकीय पत्र का एक प्रारूप लिखिए। अब प्रारूप का मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा, इसलिए हम प्रारूप कैसे लिखेंगे, प्रारूप की बात करेगा तो अर्धशासकीय पत्र है, मैंने पहले क्या बताया, यहां पर सिर्फ उसकी रूपरेखा लिखने बोल रहा है और कुछ लिखने के लिए नहीं कह रहा है। तो ध्यान रखिएगा अर्धशासकीय पत्र की रूपरेखा थोड़ी सी अलग हो जाती है। यहां लिखेंगे अर्ध सरकारी पत्र क्रमांक, ठीक है ना, अर्ध सरकारी पत्र क्रमांक एक्स वाई जेड जो भी आप है वो आपको मेंशन नहीं करना है क्योंकि सिर्फ आपको फॉर्मेट बनाना है। यहां पर विषय नहीं दिया है, यहां सिर्फ आपको फॉर्मेट राइटिंग करने के लिए कह रहा है। तो अर्ध सरकारी पत्र क्रमांक लिख दिया, यहां लिख दिया जैसे कि भारत सरकार, ठीक है ना, जिस विभाग के द्वारा लिखा जा रहा है या जिस मंत्रालय के द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है ना। इस अर्ध सरकारी पत्र क्रमांक के बाद में यहां पर ये चीजें जो है आपकी कंप्लीट होती है। यहां किसी प्रकार का प्रेषक नहीं है और किसी प्रकार का प्रेषिति का प्रयोग नहीं है। इसके बाद यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे आप स्थान और यहां लिखेंगे आप दिनांक, ठीक है, ये भी आपको ऐसा करके छोड़ देना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, यदि आप चाहें तो भारत सरकार को बीच में लिख सकते हैं और स्थान और दिनांक को लिख सकते हैं, लेकिन दो रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या लिखा, अर्ध सरकारी पत्र क्रमांक लेफ्ट में लिखा है ना, और भारत सरकार विभाग स्थान और दिनांक को एक जगह रख दिया। अगर आप चाहें तो इसे बीच में रख सकते हैं,
ठीक है ना, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा ना, ये दोनों, यहाँ पर आप जो है वो स्थान और यहाँ पर आप जो है वो दिनांक लिख सकते हैं। यदि आप चाहें तो सभी को एक जगह भी जो है वो लेफ्ट में लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, दो प्रकार से लिखा जा सकता है, पर ध्यान रखिएगा हमेशा जो पत्र का क्रमांक है वो लेफ्ट में आएगा, भारत सरकार और विभाग मध्य में आएगा, और राइट हैंड साइड में स्थान और दिनांक आएगा। लेकिन यदि आप लिखना चाहें तो आप जो सरकार का नाम और विभाग का नाम, स्थान और दिनांक को एक जगह लिख सकते हैं, उसमें अंक कटेगा नहीं, पर सभी हिस्से होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात बेटा, क्योंकि ये अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र है, तो अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र क्या होते हैं, जब अपने से समकक्ष और कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को दिए गए प्रस्तावित कार्य के संबंध में कोई जानकारी, राय, विचार विमर्श लेनी या देनी हो, तो एक अधिकारी जब उनसे व्यक्तिगत होकर पत्र व्यवहार करता है तो ऐसे पत्र को अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। यहां पर किसी प्रकार का प्रेषक नहीं होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपके विषय का और संदर्भ का भी उल्लेख नहीं होगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कहना चाहें तो यहाँ पर प्रति लिख सकते हैं, जैसे कि प्रति लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लिख दिए आपके जैसे श्री राम कुमार, ठीक है, और सचिव। अगर आप चाहें तो सिंपल से सिंपल लिख सकते हैं, जैसे कि प्रिय श्री, ठीक है ना, अगर वो पुरुष है तो प्रिय श्री, और अगर वो महिला है तो श्री, आपके कह सकते सुश्री, ठीक है ना, तो प्रिय श्री या श्रीयुत, और उनके नाम का फर्स्ट, जैसे कि प्रिय श्री मोहन जी, है ना, प्रिय श्री मोहन जी। अब इसमें आप किसी प्रकार का और संबोधन नहीं करेंगे। इसकी शुरुआत कहां से होगी, मैं आपका ध्यान पत्र संख्या, मैं पत्र संख्या इसके संदर्भ में, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं आपका ध्यान पत्र संख्या के संदर्भ में आपको सूचित करना चाहता हूं कि मुझे यह पत्र लिखते हुए हर्ष हो रहा है, ठीक है ना, तो आपके पत्र संख्या या आप कह सकते हैं पत्र संख्या के संदर्भ में, तो इससे आपकी शुरुआत होगी। आपके पत्र संख्या इतने के संदर्भ में मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है, या आपके पत्र के संदर्भ में मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, कि इस तरह आपकी पत्र की शुरुआत होती है। मान लीजिए आपका पत्र यहाँ पर खत्म होता है, तो ये वाक्य जो है आपको लिखना अति अनिवार्य है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आपको वहां पर वो सेंटेंस कंप्लीट करना जरूरी है। आपके पत्र संख्या इसके संदर्भ में मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि, इतना कह के छोड़ दिया, या कह सकते हैं आपके पत्र के संदर्भ में उत्तर लेखन करते हुए हर्ष हो रहा है, ऐसा कहकर वहां पर आप सेंटेंस को छोड़ देंगे और इसके बाद में आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, यहां पर भवदी नहीं लिखा जाता, क्या लिखेंगे, आपका सद्भावी लिखेंगे या आपका शुभेक्षु लिखेंगे, ठीक है ना, आपका सद्भावी और शुभेक्षु लिखेगा और अपना नाम लिखेगा, अपना हस्ताक्षर करेगा, ठीक है ना, और उसके बाद में अपना नाम और हस्ताक्षर करने के बाद में अपने पद का पता का उल्लेख जो है वो करेगा, ठीक है ना, तो आपका सद्भावी, यहाँ पर उन्होंने हस्ताक्षर किया, पद के नाम का उन्होंने उल्लेख किया। इसके बाद यह पत्र किसको जा रहा है, मोहन जी को जा रहा है, तो आप यहाँ पर प्रति लिख सकते हैं, ठीक है, मोहन जी, ठीक है, जिस पद पर वो अधिकारी है, तो प्रति कहकर या सेवा में कहकर उस अधिकारी जिसको पत्र लिखा जा रहा है उनका नाम, उनके पद का उल्लेख और उनका पता लिखा जाएगा, और इस तरह आपके अर्धशासकीय पत्र का नमूना जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इन सभी चीजों में कार्यालय आदेश से क्या आशय है, ठीक है ना, किसी भी संस्थान में, किसी भी कार्यालय में कार्य करने वाले उच्च से निम्न स्तर के सभी वर्ग के व्यक्तियों को अगर किसी प्रकार की सूचना, आदेश, निर्देश को लागू करवाने के लिए एक पत्र आदेश के रूप में निकाला जाता है, जिसके पालन करना सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होता है, तो ऐसे पत्र को कार्यालय आदेश कहा जाता है। ये केवल दो नंबर का है,
ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको दो चीजें बता दी। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी पत्र को लिखने के लिए दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है जहां पर वह हमें प्रारूप लिखने कहता है, तो ध्यान रखिएगा प्रारूप लिखने बोलेगा तो इस तरह लिखा जाएगा, और अगर वो हमारे लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहता है तो आवेदन को इस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। और इस तरह आपको समाचार पत्र पत्रिका के बाद पत्राचारकारिता से पूछने के बाद में पत्र लेखन से आपको जो प्रश्न है वो इस रूप में पूछे जाएंगे। एक जगह आशय स्पष्ट कीजिए, आप उससे क्या समझते हैं, तो विशेषताएं लिखिए या वो हमारे लिए रीति पर प्रकाश डालिए, ऐसे तत्व लिख प्रश्न के माध्यम से पूछता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर वीडियो के माध्यम से हमने क्या देखा, आज के लेक्चर वीडियो के माध्यम से हमने ये देखा कि हमारे हिंदी भाषा के अंतर्गत सबसे ज्यादा अंक यदि किसी टॉपिक पर है तो वो है हमारे लिए पत्र लेखन, जहां पर चार नंबर का, पांच नंबर का, इस तरह चार प्रश्न पूछकर चार और चार या तीन और पांच या पांच और पांच कहके 16 से 18 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी की तैयारियों में जुट जाइए, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि पत्र लेखन में अगर 6 लाइन है तो 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, 8 लाइन हो चाहे 10 लाइन हो 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, और ऐसा करके आपको 2 पेज मिलेगा। और सबसे ज्यादा हिंदी भाषा में अगर किसी टॉपिक पर आपको प्रैक्टिस की नीड है तो वो कोई और नहीं है, वो पत्र लेखन है, जिस पर सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस की नीड होगी। हिंदी और इंग्लिश के लेटर राइटिंग में बहुत अंतर होता है। इंग्लिश में क्या होता है, सारी चीजें टू द प्रिंसिपल से लेकर थैंकिंग यू तक हमारे लिए लेफ्ट में आ जाते हैं, पर हिंदी में लेफ्ट राइट मिडिल सब जगह चीजें होती है। ध्यान से समझिएगा, हिंदी भाषा में पत्र का क्रमांक हमेशा लेखक के बाएं हाथ की ओर, स्थान और दिनांक जो है वो दाहिने हाथ की ओर होता है। जिस सरकार, जिस मंत्रालय के द्वारा लिखा जा रहा है वो मध्य में लिखा जाता है। इसके बाद प्रेषक और प्रेषिती, विषय, संदर्भ, महोदय, है ना, ये सभी हमारे लिए लेखक के लेफ्ट हैंड के साइड में होता है। जो भवदीय वाला, आत्मनिर्देश वाला हिस्सा होता है वो हमारे लिए राइट साइड में होता है, और जो प्रतिलिपि वाला हिस्सा है वंस अगेन लेफ्ट में चला जाता है। और इस तरह रखने वाली बात क्या हो जाती है कि जो हमारे लिए आपकी पत्र लेखन है उसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें 3 हिस्से होते हैं। मैं आपको बता चुकी हूं कि पत्र लेखन में 3 हिस्सा होता है, यानी कि पहले भाग में पत्र के अंतर्गत उसका स्थान, दिनांक, पत्र का क्रमांक और लिखा होता है, ठीक है, जिसमें आप विषय संदर्भ को भी उल्लेखित करते हैं, ठीक है। दूसरे में होता है पत्र का मुख्य भाग, उसके बाद में तीसरा हिस्सा होता है प्रतिलिपि और आत्मनिर्देश वाला हिस्सा। यदि वो 5 नंबर का है तो मान के चलिए हर जगह पर प्रश्न के लिए अंक जो है वो बांटे गए हैं। तो आज के लेक्चर वीडियो में केवल इतना ही। अगले लेक्चर वीडियो के माध्यम से कुछ पत्र लेखन से और चीजों को हम जानेंगे, जिससे संबंधित प्रश्न के माध्यम से हम उसके उत्तर लेखन की शैली को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए। मेरी सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माई बच्चा।